सावरकर पर टिप्पणी कर बुरे फंसे राहुल गांधी, पुलिस ने अदालत में दायर की रिपोर्ट, कहा शिकायत में है सच्चाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीडी सावरकर के पोते सातकी ने अप्रैल 2023 में आईपीएसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया था। सातकी का आरोप था कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान सावरकर को लेकर एक टिप्पणी की थी जो बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और सावरकर को खुशी महसूस हुई थी। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ पुणे के विश्रामबाग पुलिस थाने में अप्रैल 2023 में सातकी ने केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जाँच की और सोमवार को अदालत में अपनी जाँच रिपोर्ट पेश की। पुणे पुलिस ने कांग्रेस नेता पर वीडी सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाने वाली शिकायत को सच बताया। शिकायतकर्ता सतकी अशोक सावरकर की ओर से पेश वकील संग्राम कोलहटकर ने कहा कि रिपोर्ट को न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षय जैन की अदालत में पेश की गई। वकील कोलहटकर ने जानकारी दी कि अदालत राहुल गांधी को नोटिस जारी कर सकती है, वहीं उन्हें अदालत में पेश भी होना पड़ सकता है। कोलहटकर ने बताया कि अदालत में पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जांच के बाद पता चला कि वीडी सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसी घटना के बारे में नहीं लिखा जो दावा राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर की है। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद इस बात को कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायत की गई थी उसमें सच्चाई है।